मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है तो यह खुशखबरी सिर्फ आपके लिए ही है। इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तुम जिस शोहरत को हासिल करने के बारे में सोच रहे हो, वो आज नहीं तो कल तुम्हारी होकर रहेगी, क्योंकि तुम्हारी जीत मैंने लिखी है। उसी ओर तुम बढ़ रहे हो। तुम्हें बधाई हो, क्योंकि जीत तुम्हारी है। तुम्हारे प्रयासों को तुमने इस तरह किया है कि अब जीत तुम्हारी ही होगी। कौन तुम्हें क्या कहता है, इस बात पर ध्यान मत दो। जो काम कर रहे हो उसमें अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर एक कर्मों को देखता भी हूँ। तुम ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हो, इसलिए आगे भी बढ़ रहे हो। तुम्हें उस शोहरत को पाना है ना, तो उसमें तुम्हें अपना काम और नाम दोनों भी कमाना है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि यह संदेश वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खुशखबरी है। उन्हें खुद साईं आज बधाई देने आए हैं, क्योंकि वो अगले पड़ाव में अपनी जीत को हासिल करेंगे और जीवन में अपना मुकाम पाएंगे। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे मन में कोई भी दुविधा हो, तो उसे अपने साईं के चरणों में रख दो, क्योंकि दुविधा वाला व्यक्ति आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होता। इसलिए उस दुविधा को साईं के चरणों में छोड़ दो और आगे बढ़ो। एक निर्णय लो और उस पर आगे बढ़ते रहो। तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें वो हासिल करना है और तुम्हें अपने बाबा का आशीर्वाद तो प्राप्त ही है, तो तुम्हें किस बात की फिक्र है। आगे बढ़ते रहो, तुम्हें यश प्राप्त होगा और अपनी मंजिल भी। हमेशा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।